तो यहाँ पे हमें एक ऐसा कप लेना है जिसमें हम उसे फेंट सके। मेरा ये प्लास्टिक का कप है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको प्लास्टिक का ही कप लेना है, आप दूसरे कप या कोई ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर। पाउडर शुगर यूज़ करें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्रैन्यूलेटेड शुगर या साबुत चीनी जो रहता है वो कई जगह कई बार मोटा आ जाता है, कई बार छोटा आता है। तो छोटा आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो दाने मोटे हैं चीनी के तो वो फिटने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, और वो मान लीजिए फिट भी जाए अगर चीनी वो, तो थोड़े बहुत दाने उसके रह जाते हैं, इसलिए आप पाउडर शुगर ही यूज़ करें। सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून 1 TSP, 1/2 TSP 1/2 TSP कॉफ़ी। आप यहाँ पे कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, मैं नेस्कैफे यूज़ कर रही हूँ। और अब हमें इसमें डालना है पानी, तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून हॉट वाटर ले रही हूँ, सिर्फ 1 टेबलस्पून। इसको आप चम्मच से भी फेंट सकते हैं या फिर हैंड विस्क से भी फेंट सकते हैं, तो वो लगभग 20 से 25 मिनट ले लेगा टाइम। और यहाँ मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, इससे ये 5-10 मिनट में बहुत अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में फिट जाएगा। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें, वरना ये फेंटने में दिक्कत होगी। और आप ये देखिए, अभी इसका कलर थोड़ा सा डार्क है, और इसको हम और फेंटेंगे इसका लाइट होने तक। तो ये देखिए, इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत लाइट हो गया है, हमें ऐसा ही कलर चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम इसको चाय का कप, जो छोटा चाय का कप होता है उसमें बनाएं, तो ये 2 कप की रेसिपी है, आप 2 कप कॉफ़ी वो बना सकते हैं। और अगर आप बड़े कप में पी रहे हैं, जो कॉफ़ी कप होता है, तो फिर ये 1 कप की ही रेसिपी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको उस ग्लास में या कप में शिफ्ट कर सकते हैं। और इसमें मिलाएंगे अब हम गरम दूध। ये देखिए कितनी क्रीमी कॉफ़ी बनी है, इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लें। ठंड के मौसम में ये क्रीमी कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ मेरी कॉफ़ी रेडी है, तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ट्राई करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।